जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्सरसाइज नंबर 5.3 की डिस्कशन हो रही थी बेटे, और 5.3 में लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटे, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6, और आपने इसमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अब जो फंक्शन आपको दिया गया है इसमें वो है जी इक्वल्स टू 3x+y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स और वो कंस्ट्रेंट्स है मेरे बेटा आपके पास गिवन 3x+5y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, और दूसरी कंस्ट्रेंट है आपके पास x+6y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, और कंडीशन दी गई हुई है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है बेटे, और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको ये कहा है कि आपके पास एक फंक्शन है जी, कभी वो आपको एफ कह रहा है, कभी वो आपको जी कह रहा है, कभी वो कहेगा एफ इंटू एक्स कोमा वाई, तो फंक्शन को कोई भी नाम दे सकता है। यानी ये आपके पास एक फंक्शन है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 3x+5y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, x+2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, और ये दो कंडीशंस दी गई हैं x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये आपको पता है कंडीशन किसकी है, ये है फिजिबल रीजन की, और फिजिबल रीजन बेटा आपके पास एक ऐसा रीजन है जो आपको रिस्ट्रिक्ट रखता है किस क्वाड्रेंट की तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। तो सॉल्यूशन में बेटा आप लोगों के पास जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है, जो इनइक्वालिटीज गिवन है, आप ये देखेंगे कि वो कितनी है, 2 है, 3 है, वो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगी, वो जितनी भी इनइक्वालिटीज गिवन होंगी, आप उनको सॉल्यूशन में लिख लेंगे। मैंने पहली इनइक्वालिटी लिखी 3x+5y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, और दूसरी इनइक्वालिटी मैंने लिखी x+6y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। एक को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, एक को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बेटे इन इनइक्वालिटीज पर सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम पहले करते आए, कि फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, फिर x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, टेस्ट पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन इज द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x+5y इक्वल्स टू 15, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, और x इंटरसेप्ट में बेटा आप पुट करते हैं y को 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन, और एसोसिएटेड इक्वेशन को मैंने यहां दिया नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3 का। तो जहां जहां इक्वेशन नंबर 3 में x आ रहा है, y आ रहा है, यहां आप 0 रिप्लेस करेंगे, तो यहां से आपको पता चलेगा 3x=15। दिस इंप्लाइज दैट जो x की वैल्यू आ रही है ये आपके पास क्या आ रही है, 5। तो आप ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो x 5 है और y आपके पास क्या है, 0 है। x इंटरसेप्ट के बाद बेटे जो आपकी हेडिंग आती है वो आती है y इंटरसेप्ट की, और y इंटरसेप्ट में आप हमेशा जो पुट करते हैं वो x = 0 करते हैं,
और दी गई एसोसिएटेड इक्वेशन में करते हैं, और एसोसिएटेड इक्वेशन को यह नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 5y = 15, और यहां से जो y की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 3। तो ऑर्डर्ड पेयर में x 0 है और y आपके पास क्या है 3। तो लास्ट स्टेप में आप टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, तो हेडिंग देंगे आप लोग टेस्ट पॉइंट की, और टेस्ट पॉइंट में आप x को भी 0 पुट करते हैं और y को भी 0 पुट करते हैं इन गिवन इन इक्वालिटी, और गिवन इन इक्वालिटी को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 is greater than 15। तो क्या 0 15 से ग्रेटर होता है? नहीं, 15 ग्रेटर होता है 0 से। तो ये जो इन इक्वालिटी है आपके पास ये क्या है? फॉल्स है। तो अब यही काम जो आपने एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट फाइंड किया, दूसरी जो इनइक्वालिटी है इसी की भी आप एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इसका भी आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, इसका भी आप टेस्ट पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखेंगे जी आप दी एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स इक्वेशन एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 6y = 9, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। मैंने आपको पहले भी बताया बेटे कि एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरह से बनती है, जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है इसको आप वैनिश कर देते हैं और इसकी जगह साइन ऑफ इक्वालिटी को आप यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटे एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट में बेटा आप हमेशा पुट करते हैं वाई को 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन, और एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आई बेटा ये आपके पास क्या आ गई 9। ऑर्डर्ड पेयर में एक्स 9 आ गया और बेटे वाई आपके पास क्या आ गया 0। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट में बेटा आपके पास जो एक्स होता है उसको आप 0 पुट करते हैं इन एसोसिएटेड इक्वेशन, और एसोसिएटेड इक्वेशन को आपने 4 का नाम दिया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6y = 9, और यहां से जो आपके पास y की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 3/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5। तो ऑर्डर्ड पेयर में x 0 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगी 1.5। जो लास्ट स्टेप होता है वो आपके पास टीपी है, टेस्ट पॉइंट, और टेस्ट पॉइंट में बेटा आप पुट करते हैं x को भी 0 और y को भी 0 इन गिवन इन इक्वालिटी, और गिवन इन इक्वालिटी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको बता जाएगा 0 is greater than 9, तो 9 ग्रेटर होता है 0 से, 0 हमेशा लेस होता है, तो ये भी आपके पास जो इन इक्वालिटी है ये क्या है? फॉल्स है। तो आपको पता है बेटे जब आपके पास इन इक्वालिटी ट्रू होती है तो आप टूवर्ड्स द ओरिजिन एरिया को शिफ्ट करते हैं, और जब इन इक्वालिटी आपके पास फॉल्स होती है तो आप हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है उसको जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा आपके पास ग्राफ है, अब हेडिंग देंगे ग्राफ की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, आप प्रॉपर वे में इसको इसी तरह लेबल करेंगे बेटे। मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 9 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो आप मल्टीपल ऑफ 3 भी पढ़ सकते हैं, आप मल्टीपल ऑफ 2 भी टेक कर सकते हैं, तो मैं मल्टीपल ऑफ 2 ही कर रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10। तो आप यहां इसको लिख भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉपर लेबल कीजिएगा 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10। तो बेटे पहली इनइक्वालिटी में जो एक्स है वो 5 है और जो वाई है ये आपके पास 0 है, और दूसरी आपके पास जो ऑर्डर पेयर है इसमें एक्स 0 है और वाई 3 है। तो कुछ इस तरह से बेटा आपके पास ये 2 पॉइंट्स आएंगे, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला देंगे तो आपके पास ये एक लाइन आई, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया लाइन L1, जो इक्वल है
3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। बार बार बताता हूं बेटा कि ग्राफ में आप हमेशा एसोसिएटेड इक्वेशन को लिखते हैं, यहां आप इन इक्वालिटी को नहीं लिखते। अगर आप इन इक्वालिटी लिख देते हैं तो बेटा ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और उससे आपका ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन इक्वालिटी जस्ट हमें ये बताती है कि हमने कौन सा एरिया शेड करना है। दूसरी इक्वालिटी में एक्स 9 है बेटे और वाई 0 है, और फिर एक्स 0 है और y 1.5 है, यानी आपके पास यहां पे करके ये पॉइंट आएगा। इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला देंगे, ये एक लाइन आ रही है बेटे, इस लाइन को आप बोल देंगे लाइन L2, और ये इक्वल है x प्लस 6y इक्वल्स टू 9। अब ये सारी जो है आपके पास दोनों इनइक्वालिटी फॉल्स हैं, तो जब फॉल्स होती है आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाते हैं, तो आपने रहना भी किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में रहना है क्योंकि आपको कंडीशन दी गई है x ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 की। तो बेटा इसी तरह जब आप इसको शेड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये लाइन आएंगी। तो ये आपका ये वो एरिया है जो कि शेडेड एरिया है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन गया हो, जहां दोनों लाइन आपस में मर्ज कर रही हैं। कॉर्नर पॉइंट्स को देखना हो तो बेटे ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है शेडेड एरिया का, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए का, जो कि मेरे पास है 0 और 3, और ये ओरिजिन तो आपको पता है 0 0 ही होता है। इसी तरह ये पॉइंट है आपके पास एक्स 9 वाई 0, इसको पॉइंट बी कह दिया, और मेरा बेटा ये है आपके पास पॉइंट ई, जिसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दोनों लाइंस जो एसोसिएटेड इक्वेशन आ रही होती हैं इनको आप सॉल्व करते हैं, वहां से एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो बेटा अब हम लोग इन्हीं एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करके ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, जहां दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, इसे फाइंड आउट करेंगे। तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of point E, point E के हम coordinates को find out करेंगे, दोनों associated equation को solve करेंगे। first associated equation है आपके पास 3x plus 5y equals to 15, जो दूसरी associated equation है उसको मैं 3 से multiply कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 18y इक्वल्स टू 27। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा इन्हें, पॉजिटिव 3x और नेगेटिव 3x कैंसिल आउट, माइनस 15y इक्वल्स टू माइनस 12। माइनस माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 12 बाय 15, कैंसिल आउट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 3 को 5 से करेंगे 15, तो y की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 4 बाय 5। आप इस y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन में से किसी भी एसोसिएटेड इक्वेशन में कर दें, तो मैं 1 में कर देता हूं और ये आ जाएगा जी 3x प्लस 5y और y क्या है 4 बाय 5 इक्वल्स टू 15। 5 5 से कैंसल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव 4 तो जाके नेगेटिव 4 हो जाएगा, 15 माइनस 4 का आंसर आ जाएगा 11, और बेटा 3 मल्टीप्लाई और इस साइड पर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 बाय 3। तो पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x जो है ये इक्वल है 11 बाय 3 के, जबकि जो y है ये इक्वल है 4 बाय 5 के। तो ये है पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, ए कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, ई कॉर्नर पॉइंट आ रहा है
और पॉइंट बी जो है वो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे कि फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो इसके लिए आपको पता है कि आप मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन को चेक करने के लिए एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल बनाया जाता है। और वो टेबल किस तरह से बनाया जाएगा, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप फंक्शन लिखते हैं z इक्वल्स टू 3x प्लस y, और यहां पर आपके कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं सारे। आप कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, ए भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, तो आप यहां लिखेंगे एट पॉइंट ए, और ए आपके पास क्या है जीरो और थ्री। इस फंक्शन में आप एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह थ्री रिप्लेस कर दें तो आपके पास जीरो प्लस थ्री का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थ्री। फिर और कॉर्नर पॉइंट आपके पास कौन सा आ रहा है, आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ रहा है बी, तो आप यहां लिखेंगे एट पॉइंट बी, और बी आपके पास क्या है नाइन और जीरो। आप इस फंक्शन में एक्स की जगह नाइन और वाई की जगह जीरो रिप्लेस कर देंगे, 27 प्लस 0 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 27 एट पॉइंट ई, और ई है आपके पास 11 बाय 3 एंड 4 बाय 5। तो बेटा इसी फंक्शन में आप x की जगह 11 बाय 3 और y की जगह पुट कर दें 4 बाय 5, तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग एक्सप्रेशन आ जाएगा 11 प्लस 4 बाय 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 59 बाय 5। अगर आप इनको डिवाइड भी करते हैं तो ये आपके पास 11 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर आ जाएगा। अब बेटा आपने ये देखना है कि आपने फंक्शन को शो क्या करवाना था, क्या आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज शो करवाना था या फंक्शन को मिनिमाइज शो करवाना था। तो फंक्शन को मैक्सिमाइज करवाना हो या मिनिमाइज करवाना हो तो प्रोसेस तो सेम ही है। हम ये देखते हैं अगर मिनिमाइज करवाना तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और अगर फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करवाना शो तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो अब यहां पर मिनिमाइज शो करवाना, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इसकी, 3, और वो किस पॉइंट पर आ रही है, पॉइंट ए के ऊपर। तो अब यहां लिखेंगे बेटा एट पॉइंट ए द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज विच इज 3। आप क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है इस पॉइंट ए के ऊपर, तो बेटा इस तरह से आप फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। मैं सारा प्रोसेस एक दफा रिपीट कर रहा हूं बेटा ताकि आप सबको आइडिया हो जाए। जितनी भी इनइक्वालिटीज दी गई हैं, आपने हर इनइक्वालिटी का क्या क्या काम करना है, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन के बनाने के बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया जाएगा, फिर आप टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। चाहे इनइक्वालिटीज दो हैं या तीन हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है, हमने हर इनइक्वालिटी की ये चीज़ें फाइंड करनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट। उसके बाद बेटा आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपने कंबाइन बनाना है। आपने हमेशा जो भी लाइन ड्रॉ करनी है वो एसोसिएटेड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ना कि इन इक्वालिटी को। फिर आप वो एरिया शेडेड लेते हैं जहां पर दोनों या तीनों लाइंस आपस में क्या करती हैं, मर्ज करती हैं। तो जो मर्ज करती हैं बेटा वो मैंने लिख दी और एरिया शेड कर दिया गया। ट्रू होती है तो हम टूवर्ड्स द ओरिजिन जाते हैं, फॉल्स हो तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाते हैं। फिर हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, जहां पर शेडेड एरिया आता है उसके कॉर्नर्स क्या आ रहे हैं, वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप फंक्शन लिख लेते हैं और वर्टिकली आप वो तमाम के तमाम कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं, वन बाय वन आप इनके ऊपर चेक करते हैं कि पॉइंट ए पर क्या वैल्यू है, पॉइंट बी पर क्या है, पॉइंट ई पर क्या है। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज आप फंक्शंस की निकाल लेते हैं।
फिर आप ये देखते हैं कि आपने क्या चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपने मैक्सिमाइज देखना है तो फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और अगर आपने मिनिमाइज देखना है तो आप ये देखेंगे फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो वहां वो मैक्सिमाइज होगा, जिस पॉइंट के ऊपर वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो वहां वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो ये सारा बेटा एक प्रोसेस है इसका। उम्मीद करता हूँ कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 5.3 के वो आप कर लेंगे। बहुत आसान चैप्टर था, आपको समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह लाइव लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।